हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 26। पिछले 25 पार्ट्स आप हमारे जीसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज या फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वन हु इज एंगेज्ड इन साइंटिफिक ड्राइंग ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस है हमारे पास जियोग्राफर, कार्टोग्राफर, मेटेरियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट। जो मैप्स ड्रॉ करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज। ऑप्शन है हमारे पास कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या जियोलॉजी। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो मैप्स बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिंक्ड क्वेश्चन है कि मैप मेकिंग की साइंस को क्या कहते हैं। अगर उसे कार्टोग्राफर कहते हैं तो हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं कि ये कार्टोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑन मैप्स इज कॉल्ड। मैप पे एरिया मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस में हमारे पास प्लानीमीटर, ईडोग्राफ, पेंटोग्राफ या ओपिजोमीटर। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, प्लानीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज। ऑप्शंस में हमारे पास ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मॉनसूनल या इक्वेटोरियल। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, ट्रॉपिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्ड कौन लेके आया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास पिटोलमी, इरेटोस्थीनिस, हैकेटस या हीरोडेटस। तो इसका सही आंसर है सेकंड, इरेटोस्थीनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री या मैपिंग। तो हमने पीछे ये देखा कि मैप मेकिंग की आर्ट और साइंस को कार्टोग्राफी कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे एग्जाम में, तो इसे मार्क कर लीजिएगा एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग टोपोग्राफिकल शीट्स। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टोपोग्राफिकल शीट्स को पब्लिश करती है? ऑप्शन में हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे GSI भी कहते हैं, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे NATMO भी कहते हैं, नेटमो। थर्ड ऑप्शन है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, और फोर्थ है सर्वे ऑफ इंडिया SOI। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टोपोग्राफिकल शीट्स को पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम फॉर कॉन्टोर लाइन्स। कॉन्टोर लाइन्स का ऑल्टरनेट नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास आइसोपोटेंशियल, आइसोथर्म, आइसोहाइप्स या आइसोहाइट। तो इसका सही आंसर है थर्ड, आइसोहाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्टोर आर इमेजिनरी लाइंस शोइंग। कॉन्टोर्स इमेजिनरी लाइंस क्या दिखाती हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम टेम्परेचर एरियाज, प्लेसेस ऑफ इक्वल ऑल्टीट्यूड्स या इक्वल सनशाइन एरिया। तो कॉन्टोर्स बेसिकली आर रिलेटेड विद ऑल्टीट्यूड्स और वी कैन से एलिवेशन। इसका सही आंसर है प्लेसेस ऑफ इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल्स। अब सेम हाइट पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि कॉन्टोर्स जो हैं वो ऑल्टीट्यूड, इक्वल ऑल्टीट्यूड के प्लेसेस को शो करती हैं, दर्शाती हैं। तो यहाँ पे भी हाइट का कॉन्सेप्ट आया। ऑप्शन है हमारे पास हैचर्स, कॉन्टोर्स, स्पॉट हाइट्स या आइसोमर्स। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स आर रिलेटेड टू हाइट, सेम हाइट एंड सेम ऑल्टीट्यूड और वी कैन से एलिवेशन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस विद सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड। अब टेम्परेचर की बात है तो ऑप्शन है हमारे पास आइसोबार्स, आइसोहाइट्स, आइसोहेलाइंस या आइसोथर्म्स। तो जब टेम्परेचर का आएगा तो इट इज आइसोथर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मिडनाइट सन। मिडनाइट सन का क्या मतलब है? ऑप्शन है ट्वाइलाइट, राइजिंग सन, वेरी ब्राइट मून या सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। मेरे जितने भी क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके उन्हें नोट करके ऑप्शंस भी नोट कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके आंसर देख सकते हैं अपनी नोटबुक पे, आंसर ही डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए और क्वेश्चंस नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द वेल थ्रू विच वाटर कम्स आउट थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड। कुआं जिससे कि जो पानी है वो हाइड्रोलिक प्रेशर से बाहर आता है उसे क्या कहते हैं उस कुएं को? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डिनरी वेल, ट्यूब वेल, डीप ट्यूब वेल या आर्टिजियन वेल। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, आर्टिजियन वेल।
Next question है, maps on large scale representing both natural and man-made features are called. Options are wall maps, topographic maps, thematic maps या atlas maps. वो map जो natural और man-made features show करते हैं, represent करते हैं. तो इसका answer है second, topographic maps. Next question है, contour line is the imaginary line joining places of equal. अब फिर से contour की बात आई है. Options है हमारे पास rainfall, humidity, elevation या temperature. तो हमने देखा कि contour is related to height, altitude and elevation. तो इसका सही आंसर है third, elevation. ये पिछला question mark कर लीजिए, important question, काफी repeated question है ये SSCs और railways में. Next question देखते हैं, the primary goal of planning for disasters is to reduce disaster के लिए प्लान करने का प्राइमरी गोल क्या रहता है, किस चीज़ को कम करने के लिए. तो ऑप्शन है डेथ, डैमेज, रिस्क या वल्नरेबिलिटी. तो इसका सही आंसर है फोर्थ, वल्नरेबिलिटी. तो डिजास्टर के लिए प्लान करना, उसका प्राइमरी गोल है टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी. ओके, तो आज की वीडियोस यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स. तो अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. फिजिकल ज्योग्राफी की ये आज लास्ट वीडियो थी. हमने एसएससी, रेलवेज और बाकी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए फिजिकल ज्योग्राफी की इस वीडियो सीरीज़ में. हम और भी क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, हम उनके और पार्ट्स भी लेके आएंगे. तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.